15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बीम 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखिए, जो पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले दिया क्या है, फोकस दूरी। क्या दिया हुआ है, फोकस दूरी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फोकस दूरी, जिसको लिखा जाता है एफ से। एफ बराबर कितना दिया है, ये दिया है 15 सेंटीमीटर। और इसमें देखिए क्या दिया है, उत्तल दर्पण से कोई बीम 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। मतलब ये क्या दिया है, बीम की दूरी दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे बीम की दूरी, जिसको लिखा जाता है यू से। ये कितना दिया है, ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। इसमें देखिए निकालना क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो देखिए, अगर हम भी का मान यानी प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कर लेंगे, यहाँ पे देखिए, अगर हम प्रतिबिंब की दूरी अगर हम निकाल लेंगे, इसको जिसको बोला जाता है भी, अगर हम ये निकाल लेंगे तो हमें प्रतिबिंब का कहाँ स्थिति और प्रकृति दोनों मालूम चल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग को कहाँ निकालना पड़ेगा, प्रतिबिंब की दूरी, जिसको लिखा जाता है भी से, ये हमको निकालना है। अगर ये निकाल लेंगे तो निकल क्या क्या जाएगा, ये निकालने से निकल जाएगा प्रतिबिंब का, प्रतिबिंब की स्थिति निकल जाएगा, इसको निकालने निकल जाएगा भी के मान, तो प्रतिबिंब का प्रकृति भी निकल जाएगा, यानी प्रतिबिंब की प्रकृति, ये दोनों निकल जाएगा। केवल अगर हम लोग भी का मान निकाल लेंगे ना, तो प्रतिबिंब का स्थिति भी निकल जाएगा और प्रतिबिंब का प्रकृति भी निकल जाएगा। पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, भी का मान निकालते हैं। तो ये निकलेगा कैसे, तो हमको लगाना पड़ेगा दर्पण सूत्र। यहाँ पे लिखेंगे दर्पण सूत्र से। तो ये होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ये होता है आपका दर्पण सूत्र। इसी के सहायता से हम लोग निकालेंगे v का मान। तो उससे पहले देखिए, आप याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कौन सा दर्पण है, तो उत्तल दर्पण है। अगर क्वेश्चन में आपका उत्तल दर्पण दिया हुआ रहेगा, तो देखिए आप हमेशा अगर उत्तल दर्पण क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो जो भी का मान होगा वो का में रखेंगे, प्लस में, और एफ का मान भी का में रखेंगे, प्लस में, और यू का मान का में रखेंगे, माइनस में। समझ में आ गया। तो देखिए, अगर आपका उत्तल दर्पण है तो एफ का में होगा, ये होगा एफ प्लस में होगा, और इसका यू का में हो जाता है, माइनस में हो जाता है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए, जो भी का मान भी निकलेगा ना, वो देखिएगा प्लस में ही आएगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। देखिए यहाँ पे मान भरेंगे, 1/f कितना दिया है, तो f है 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 15, फिर बराबर 1/u, u कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर आप मत लिखिएगा, लास्ट में लिख लेंगे। फिर प्लस 1/v। अब यहाँ पे देखिए, 1/15 बराबर, देखिए ये वाला माइनस ऊपर दे देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 1/10, फिर प्लस 1/v। अब यहाँ से देखिएगा, 1/15, ये माइनस जब बराबर के इस साइड आ जाएगा, तो माइनस वा का हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये माइनस बराबर के इस साइड आएगा तो कहाँ में हो जाएगा, प्लस में। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 1/10, फिर बराबर इधर का बच जाएगा 1/v। अब यहाँ पे देखिए, 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे, तो यहाँ पे 10 और 15 का एलसीएम निकालते हैं, तो ये कटेगा 5 से, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 × 2 × 3, 5 दूना 10, 10 तिहाई
30, यानी आपका एलसीएम कितना मिल गया 30, तो यहाँ पे लिख लेंगे 30। अब 30 को 15 से भागा दीजिए, 15 गुना 30 दो मिलेगा, और दो से एक में गुना करा देंगे तो यहाँ पे मिलेगा केवल दो ही है। फिर प्लस 10 से 30 में भागा देंगे तो 10 दिया 30 यानी 3 मिल गया, और 3 गुने 1 करेंगे तो कुल मिला के कितना आ जाएगा 3 ही आ जाएगा, फिर बराबर 1/v। आई होप कि आपको यहाँ से जोड़ घटाव आता ही होगा। तो देखिए अब ये दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 2 5/30, फिर इधर से बच जाएगा केवल 1/v। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, भी गुने 5 यानी 5v, फिर बराबर 1 × 30 तो ये हो जाएगा 30, तो भी बराबर कितना आ जाएगा 30/5, तो काटेंगे तो भी का मान कितना आ जाएगा 6। अब यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से आपको यहाँ देखना है, देखिए यदि भी का मान प्लस में हो तो प्रतिबिंब का प्रकृति में क्या लिखेंगे आभासी तथा सीधा लिखिएगा, और प्रतिबिंब की स्थिति में क्या लिखेंगे दर्पण के पीछे। तो देखिए क्वेश्चन में हमको यही लिखना था, क्या लिखना था प्रतिबिंब का स्थिति और प्रतिबिंब का प्रकृति। तो यहाँ पे देखिए आपका जो भी का मान आया है वो क्या में आया है प्लस में आया है, प्लस में आया है ना, तो जब प्लस में आपका आ गया भी का मान तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए हम लोग का भी का मान क्या में आया है प्लस में, तो प्रतिबिंब का प्रकृति में क्या लिखेंगे आभासी तथा सीधा, और प्रतिबिंब का स्थिति में क्या लिखेंगे दर्पण के पीछे। समझ में आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति में क्या लिखेंगे, देखिए आभासी तथा सीधा, और प्रतिबिंब का प्रकृति तो लिख लिए, अब लिखेंगे प्रतिबिंब का प्रतिबिंब की स्थिति में देखिए क्या लिखिएगा, स्थिति में आप लिख लीजिएगा, लिखेंगे दर्पण के पीछे। समझ में आ गया, आप यहां से याद रखिएगा अगर भी का मान प्लस में आ गया तो प्रतिबिंब का जो प्रकृति में लिखेंगे क्या लिखेंगे आभासी तथा सीधा, और इसका प्रतिबिंब का स्थिति में क्या लिखेंगे दर्पण के पीछे। समझ में आ गया,